अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की गंभीरता को किस तरह बीजेपी के कुछ नेता कम कर रहे हैं। मामला दिल्ली का है, जहां सफाई अभियान पर निकले एक नेताजी के लिए पहले जानबूझकर गंदगी फैलाई गई और इसके बाद शुरू हुआ झाड़ू के साथ फोटो सेशन। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बाहर सफाई अभियान की हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय स्वच्छ भारत अभियान के तहत हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई कर रहे हैं। उनके साथ कई दूसरे लोग भी हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया आलमी भी झाड़ू लगाते हुए फोटो सेशन में शामिल हुईं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब इस सफाई अभियान से पहले की तस्वीर सामने आई वो बेहद शर्मनाक थी। दरअसल जिस जगह सफाई की गई वहां गंदगी थी ही नहीं, सिर्फ कैमरे पर गंदगी दिखाने के लिए कूड़ा जानबूझकर फैलाया गया। कुछ सफाई कर्मचारी वहां कूड़ा लाए, झाड़ू से कूड़ा फैलाया और फिर सतीश उपाध्याय और दूसरे लोग झाड़ू लेकर पहुंचे और सफाई करते हुए फोटो खिंचवाई। मामला बीजेपी नेता का था तो कांग्रेस ने तुरंत अटैक किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवरी से लेकर मुकेश शर्मा, जेपी अग्रवाल तक सभी कांग्रेस नेताओं ने सतीश उपाध्याय का नाम लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। इस स्वच्छता अभियान की पोल जो है वो खाली सतीश उपाध्याय जी के इस सफाई अभियान से नहीं खुलती। आप किसी भी गले मोहल्ले में जाइए, नाले जो है भरे हुए हैं, लोगों वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था तो हो ही नहीं रही है। दो मिनट वो वहां रुकते नहीं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो प्रेस में भेजते हैं और भाग जाते हैं सब। अगर इनको कोई अच्छा काम करना था तो कॉरपोरेशन को हिदायत करके उस काम को करा सकते थे, लेकिन ये सिवाय मोदी जी को खुश करने के और कोई काम नहीं है। दिखावा, झूठ, फरेब, इस सब की संज्ञा इसको दी जा सकती। वहीं जब इस बारे में सतीश उपाध्याय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि वहां सिर्फ दिखाने के लिए गंदगी फैलाई गई थी। और जब ये पूछा गया कि क्या इससे पीएम मोदी के अभियान की गंभीरता कम नहीं होगी तो उन्हें गुस्सा आ गया। 250 लोग वहां पर थे और मैं इस तरह की किसी भी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूं। स्वच्छ भारत अभियान है ईमानदारी से करने के लिए, और किसी ने भी अगर ये प्रायोजित किया है, मैंने कुरैशी साहब से भी बात की, उनकी भी जानकारी में नहीं था एंड आई कम्प्लीटली कंडेम दिस। भाजपा के कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, क्या सवाल कर रहे हो आप? भाजपा के कार्यकर्ता का क्या लेना देना है? इस्लामिक सेंटर में कार्यक्रम था, मैं तो जाकर के किसी को पूछा नहीं कि कहाँ पर क्या है। यह आयोजकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना चाहिए। गलती सतीश उपाध्याय की हो या आयोजन करने वाले इस्लामिक सेंटर की, ऐसी हरकतों से स्वच्छ भारत अभियान की गंभीरता कम होती है।